दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि आचार संहिता के बाद में बहुत सारे पदों पर अपकमिंग भर्ती आने वाली है। जी हाँ, अपकमिंग भर्ती 2024, जिसमें आपका आबकारी विभाग में 100+ पदों पर, अर्थात 100 से भी अधिक पदों पर आबकारी विभाग में आबकारी आरक्षक के पदों पर भर्ती आएंगी। इसके सिलेबस की भी मैं बात इस वीडियो में करूंगा। इसके अलावा ADEO के 300 पद स्वीकृत हो चुके हैं, इसकी भी मैं बात करूंगा, और ADEO के 300 पदों पर वित्त विभाग से स्वीकृति भी मिल चुकी है। पूरे विस्तार से इन दो विषयों पर बात करूंगा। आबकारी आरक्षक के सिलेबस पर भी मैं बात करूंगा। जो साथी नए हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि यहां आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर, जिसमें तृतीय श्रेणी कार्यपालिक उप अकार्यपालिक चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अनुमति हेतु ये दिया हुआ है। आबकारी आरक्षक भर्ती होना है 2024 में। इसका संक्षिप्त विज्ञापन भी आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। पदों का नाम है आबकारी आरक्षक, जो कि तृतीय श्रेणी के पद हैं। रिक्त पदों की बात करूं तो आबकारी आरक्षक के लगभग 100+ पदों पर भर्ती किया जाना है। और ये जो वेतन मैट्रिक्स लेवल भी यहां पर आपको दिख रहा है, 105 लगभग पदों पर भर्ती जो है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। आचार संहिता के समाप्ति के बाद जो है आबकारी विभाग में आबकारी आरक्षक के पदों पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी। आबकारी आरक्षक के सिलेबस की मैं बात करूं तो देखिए साथियों, पूर्व में जो आबकारी आरक्षक के पदों पर भर्ती आई हुई थी, उसके सिलेबस की मैं बात करूं यहां पर, तो आप सभी साथी जान रहे हैं, देख सकते हैं यहां पर जो परीक्षा पाठ्यक्रम है, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें इतिहास के प्रश्न, भौतिक सामाजिक भूगोल के प्रश्न थे, भारतीय संविधान के अर्थव्यवस्था के प्रश्न थे, समाज विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्रश्न पूछे गए थे, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति से प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ से भी प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, कला एवं संस्कृति, जनजाति, अर्थव्यवस्था से संबंधित। इसके अलावा आपका प्रारंभिक अंकगणित, जिसमें 20 अंक के सामान्य हिंदी 20 अंक, छत्तीसगढ़ी बोली का ज्ञान 20 अंक, तार्किक योग्यता पर 20 अंक और सामान्य अंग्रेजी पर 20 अंक। इस तरह से टोटल नंबर की बात करूं मैं यहां पर, तो 300 अंकों का जो प्रश्न है पूछा गया था। तो ये पिछले बार के सिलेबस हैं और इसी के आधार पर जो है आप अपनी तैयारी करते रहें साथियों, क्योंकि जल्द जो है आचार संहिता के समाप्ति के बाद में आबकारी विभाग में आबकारी आरक्षक के पदों पर भर्ती आने वाली है। इसके अलावा ADEO की बात अगर मैं करूं तो ADEO के 200 पदों पर भर्ती निकलने वाली है, जिसके लिए देखिए यहां पर लगभग जो है 300 पदों के लिए भर्ती का प्रस्ताव वित्त विभाग से पेंडिंग था, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार 200 पदों पर वित्त विभाग द्वारा परमिशन दे दिया गया है। 300 पदों के लिए वित्त विभाग परमिशन के लिए गया था, लेकिन केवल 200 पदों पर ही परमिशन मिला है साथियों, और आगामी आचार संहिता के समाप्ति के बाद 200 पदों पर ADEO के भर्ती भी किया जाएगा। ये भी बड़ी अपडेट है। इसके अलावा बहुत सारे साथी शिक्षक भर्ती को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं, तो शिक्षक भर्ती जो 33,000 पदों का मुद्दा है, वह भी जो है वित्त विभाग गया हुआ है। जैसा कि कल की तारीख में शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बयान इसको लेकर सामने आया था, तो इसको लेकर भी जो है वित्त विभाग गया हुआ है, और वित्त विभाग द्वारा कितने पदों पर स्वीकृति मिलती है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जो है वित्त विभाग द्वारा शिक्षक भर्ती के एक भी पदों पर अभी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। अब कितने पदों पर स्वीकृति मिलेगी, कितने पदों पर भर्ती आएंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथी अगर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।